जब जब होई धर्म के हानि, पाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करैया नीति जाई नहीं परली, सीधही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु दरी विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। वह गहू वेद पाठी ब्राह्मणों, पृथ्वी और सज्जन लोगों को ऐसे जघन्य कष्ट देते हैं जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तब वह ईश्वर कृपा के सागर तरह तरह के शरीर धारण कर इन सब के दुख दूर करते हैं। जय श्री कल्कि। साधना चैनल पर एक बार फिर हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम कल्कि जी मेरे दोस्त जय श्री कल्कि में। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मामा जी और कल्कि जी की बाल सखा आनंद विहार बालवाटिका से धृति अग्रवाल, जो नोएडा में लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल में 6th class की छात्रा हैं। साधना चैनल के दर्शकों का जो फीडबैक हमें अपने कार्यक्रम के लिए मिल रहा है, उससे हम बहुत उत्साहित हैं। हमें देहरादून से हमारे दर्शक श्री रमेश गुप्ता, जो कि एक बैंक मैनेजर हैं, जिनका फ़ोन नंबर है 9997499992, उनका कॉल आया और वह हमारे कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हुए। वह हमारी कल्कि बाल वाटिका मासिक पत्रिका के आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं। हमारे एक और दर्शक विमल उपाध्याय, जो कि वृंदावन से हैं, वह हमारा कार्यक्रम देखकर इतना प्रभावित हुए कि वृंदावन से दिल्ली आ गए सिर्फ कल्कि जी का साहित्य लेने के लिए। दरअसल हुआ यूं, आज से 7 महीने पहले उन्हें कल्कि जी की चालीसा कहीं से भेंट में मिली। वह पिछले 7 महीने से उसका निरंतर पाठ कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा तो वो स्वयं को दिल्ली आने से रोक नहीं पाए। इसके अलावा हमें भारत के विभिन्न भागों, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान इत्यादि से लगातार दर्शकों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, जो हमारे उत्साह को निरंतर बढ़ा रहे हैं। मामा जी, हमारे ज़्यादातर दर्शक जानना चाहते हैं कि हमारी संस्था का उद्देश्य क्या है। दादाजी, आपने 4 से 12 वर्ष के बच्चों को ही क्यों चुना? हमारी संस्था का उद्देश्य महाविष्णु के अंतिम अवतार भगवान श्री कल्कि का प्रचार व प्रसार द्वारा प्रकट करना है। हम महाभाग्यवान हैं कि भगवान ने हमें इस कार्य के लिए चुना है। देश की भावी पीढ़ी को अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति जागरूक करना ही हमारा ध्येय है, क्योंकि छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जैसे ढालो ढल जाते हैं। कुम्हार को कभी मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखोगे तो पाओगे कि वह कच्ची मिट्टी को आकार देते समय अंदर से सहारा देता है और बाहर से जोर से थपकी लगाता रहता है, फिर उस बर्तन को पकाया जाता है। ठीक वैसे ही छोटी उम्र में बच्चों को संस्कार रोपण करके वह बड़े होने पर अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। प्रहलाद और ध्रुव ने भी तो बचपन में ही भगवान की भक्ति से उन्हें पाया था। आओ, कल्कि जी के बाल सखाओं की एक सुंदर प्रस्तुति देखते हैं, जिसमें कल्कि जी को भी अपना सखा ही नहीं अपने माता पिता के रूप में भी देखते हैं।
मामा जी, हमारा पिछला एपिसोड देखकर दर्शकों ने श्रीमद् भागवत में कलयुग के लक्षण पढ़े। हमें मध्य प्रदेश इंदौर से रजत अग्रवाल का यह प्रश्न आया है कि उन्होंने जब कलयुग के लक्षण पढ़े तो उसमें तो कलयुग के लक्षणों में मनुष्य की आयु 20 से 30 वर्ष लिखी गई है, जबकि यह लक्षण तो पृथ्वी पर विद्यमान नहीं है। तो इसका उत्तर आप दीजिए कि यह कैसे सत्य है। मेघना जी, अब तो आप साइंस के युग में रह रहे हैं, आप तो बिना सबूत के कुछ मानते ही नहीं हैं। भारत सरकार के गर्भ निरोधक कानून MPP एक्ट 1971 की आड़ में जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, यदि उसे जोड़कर मनुष्य की मृत्यु दर निकाली जाए तो वह औसतन 20 से 30 वर्ष ही निकलेगी। आइए कल्कि जी के बाल सखाओं द्वारा करुण पुकार सुनते हैं। तुम बिन दूर सवेरा, हे
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी बच्चों के द्वारा। मामा जी, हरियाणा से श्री रविकांत शर्मा ने हमें कॉल किया है कि जब उन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा तो उन्हें याद आया कि अग्रोहा धाम में महालक्ष्मी के बराबर और हिसार में देवी भवन में उन्होंने भगवान श्री कल्कि की 5 फुट की मूर्ति के दर्शन किए थे। तो उनके मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह जाने कि भगवान श्री कल्कि की कितनी मूर्तियाँ पूरे भारतवर्ष में अब तक लग चुकी हैं। कल्कि भगवान महाविष्णु के पहले ऐसे अवतार हैं जिनके प्रकट होने से पहले ही ज्योतिर्लिंगों, सिद्धपीठों, धामों में मूर्तियाँ लग रही हैं और विधिवत पूजा हो रही है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। भारत में अब तक कल्कि जी की लगभग 200 मूर्तियां लग चुकी हैं और इन सभी मूर्तियों का रिकॉर्ड कल्कि जी के बाल सखाओं ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा है। देखिए गूगल के नक्शे पर भारत में भगवान श्री कल्कि के मंदिर। कल्कि कहो कल्कि कहो रे, नाम यही काम आए कल्कि कहो रे। कल्कि कहो कल्कि कहो कल्कि कहो रे, नाम यही काम आए कल्कि कहो रे। राम कहो श्याम कहो कल्कि कहो रे, सुखदाई यही नाम जपो रे। श्याम कहो श्याम कहो कल्कि कहो रे, आए यही काम हरि नाम जपो रे। नाम ये सुखदाई यही नाम जपो रे। कल्कि कहो कल्कि कहो कल्कि कहो रे, नाम यही काम आए कल्कि कहो रे। विष्णु शंकर हनुमान कृष्ण राम, अपने कल्कि भगवान के कितने हैं नाम। भगवान को चाहे किसी नाम से पुकारो, सच्चे मन से बस इनकी आरती उतारो। इनके ही चरणों में शरण गहो रे, इनके ही चरणों में शरण गहो रे। दादाजी, मेरे कई दोस्त जो विदेशों की सैर करके आ चुके हैं, वो कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवी देवता हैं, ऐसा क्यों? मैं साधना टीवी के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर महाविष्णु ही हर युग में हिंदू धर्म में अवतार लेकर आते हैं और समस्त देवी देवता एक संयुक्त परिवार के मुखिया की तरह अवतार का साथ देने के लिए उनके साथ साथ धरती पर अवतार लेते हैं। इस सुंदर प्रस्तुति को कल्कि बाल वाटिका के नन्हे बालक बाल सखाओं ने बड़ी सरलता से समझाने की कोशिश की है, आइए देखते हैं। आइए अब हम बताते हैं कि आप कैसे इस कलयुग से बच सकते हैं। श्री कल्कि भगवान 64 कलाओं के संपूर्ण निष्कलंक अवतार हैं। उन्होंने 33 प्रकार के देवी देवताओं में से विशेष 12 देवी देवताओं का चयन कर अपने कल्कि समाज को स्वप्न अनुभव के माध्यम से सुरक्षा कवच प्रदान किया है। भगवान श्री कल्कि वह संजीवनी वृक्ष है जिसमें प्रत्येक देवी देवता फल रूप में उनके भक्तों के लिए उपलब्ध है। कल्कि समाज अपनी परेशानी रोग परिस्थिति के अनुसार उस देवी देवता का सहारा ले रहा है। प्रथम गणेश जी समस्त प्रकार की खुशियाँ घर व्यापार जमीन जायदाद दिलवाने वाले और मंगल करने वाले हैं। दूसरे गुरु हनुमान जी
यह कल्कि समाज के आदि गुरु हैं। गुरु रूप में हनुमान जी का आवाहन करने से सच्चा रास्ता मिलता है। तीसरी सरस्वती माँ, सुदबुद्धि और विवेक जागृत करने के लिए। चौथे शंकर भगवान, साधारण अभिषेक से पितृ दोष, ग्रहों के दोषों इत्यादि समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए। पांचवी महालक्ष्मी जी, सुख समृद्धि वैभवता प्राप्त करने के लिए। छठी दुर्गा माँ, भारत सरकार की दंडनीय शक्तियों के चंगुल में फंसने के डर अथवा फंसने पर। सातवीं काली जी, जादू टोना तांत्रिक शक्तियों के प्रहार से, बीमारी से और दुर्घटनाओं से बचने के लिए। आठवीं पंगलामुखी माँ, षड्यंत्रों और प्रचंड शत्रुओं से घिरने पर। नौवीं गंगा जी, अतृप्त पितरों को शांत करने के लिए और राक्षसी तांत्रिक शक्तियों से बचने के लिए। दसवें सूर्य भगवान, सच्चे पिता की तरह हर समस्याओं से निकलने के समाधान के लिए। ग्यारहवें भैरव बाबा, असुरी शक्तियों से बचने के लिए और दैव्य शक्तियों का सुरक्षा कवच प्राप्त करने के लिए। बारहवीं योग माया माँ, कलयुगी शक्तियों को मोहित करके उनके स्थानों पर वापस भेजने के लिए। भगवान कल्कि की भक्ति से हमें इन देवी देवताओं का स्पेशल आशीर्वाद और सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। तो अब बताओ तो सही, क्यों नहीं कल्कि जी की पूजा करें? क्यों क्यों क्यों? घड़ी की टिक टिक हमें इशारा कर रही है दर्शकों से विदा लेने के लिए। तो अगले रविवार प्रातः 9 बजे कल्कि भगवान की नई नई जानकारियां लेकर हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कल्कि। मैंने बाल वाटिका शुरू करी, एक करी चांदनी चौक में शुरू करी, गुरुद्वारे के सामने मेरा पहला ऑफिस है। शनिवार को मैं रात को उसे मंदिर के रूप में बदल जा करता था। ये 40-50 बच्चे धीरे धीरे मेरे पास आए, खूब खेलते थे कूदते थे। इनसे इनको मैं संस्कार वाली चीज़ें देता था, हवन कराता था, कहानी सुनाता था, इनसे कहानी लिखवाता था, पत्रिका में छपवाता था। इनको जब प्रोत्साहित करना शुरू करा, धीरे 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 बढ़ती चली गई। अब अपने आप स्वतः बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा जो उस समय जो मेरे पास बच्चे थे, आज वो माएँ बन गई हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, सब भर भर के आ रहे हैं, सब जगह बढ़ता चला जा रहा है। असली मदद सारी इसमें श्री हनुमान जी, रामकृष्ण परमहंस के अवतार महर्षि लक्ष्मी नारायण जी, ये हैं असली, वो हैं।
रक्षति रक्षतः, हर धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। दधीचि ऋषि ने धर्म के लिए रीढ़ की हड्डी दी थी। बंदा बैरागी ने धर्म के लिए तिल तिल तन कटवाया था। राणा प्रताप ने देश और धर्म के लिए घास की रोटी खाई थी। झांसी की रानी ने देश और धर्म की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। प्रार्थना, धर्म और देश की प्रगति में रुकावट ना बने। हमने पाया कि धर्म के काम में रुकावट डालने से वृंदावन में शाहजी के मंदिर का मुनीम अंधा और कोढ़ी हो गया था। आज भी वृंदावन में शाहजी के मंदिर में मुख्य द्वार पर मुनीम की आदमकद मूर्ति माफी मांगते हुए बनी है कि मुझे माफ कर दो, मैं धर्म के काम में रोड़ा अटकाने से अंधा और कोढ़ी हो गया। मंदिर में घुसते ही मुनीम फर्श पर लेटे हुए चित्रण है, जिस पर लोग पैर रख कर निकलते हैं। जिज्ञासु संपर्क करें शाहजी मंदिर लाइट संचालक सत्तू, फोन नंबर 7078519557। ऐसी ही कलयुगी शक्तियां कल्कि जी के कार्यों में रोड़े अटकाती हैं। देखें अग्रोहा धाम में महालक्ष्मी के बराबर बन रहे श्री कल्कि संग्रहालय में कलयुगी शक्तियों ने बीम कटवा दिए, पर मामा जी और उनके पैनल ने 5 अक्टूबर 2017 को सांसद सुभाष चंद्रा सुपुत्र श्री नंदलाल गोयनका जी से गुहार की। इस पर उन्होंने संग्रहालय को पुनः बनाने का आश्वासन दिया। उसके बाद इंतजार। आम के आम, गुठलियों के दाम। प्रिय दर्शकगण, यदि आपको हमारा 4 से 12 वर्ष तक के बच्चों के खेल खेल में संस्कार रोपण कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं तो इसे चालू रखने के लिए जो श्रद्धा से दान देंगे उसमें आपको इनकम टैक्स से 50% की छूट मिलेगी, क्योंकि हमारी संस्था 80G के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। हुआ ना आम के आम, गुठलियों के दाम। दान से सहयोग, इनकम टैक्स में छूट भी। अकाउंट नंबर ऑफ श्री कल्कि बाल वाटिका फाउंडेशन 3351552980। IFSC कोड SBIN 0000631। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चांदनी चौक, दिल्ली, पिन कोड 11006। अधिक जानकारी के लिए भगवान श्री कल्कि का साहित्य पढ़ें।